हे फ्रेंड्स, वेलकम टू युविका फैशन एंड व्लॉग्स। तो देखिए, यहाँ पर शादी की तैयारी और शादी के साथ साथ यहाँ पर हो रहा है मेरे जो मम्मी पापा हैं उनके नए घर का भूमि पूजन। तो अभी जो घर है ना, वो मतलब सिर्फ दो रूम्स बने हुए हैं, लेकिन उसके आगे वाला जो पोर्शन है उसको अब मम्मी पापा यहाँ रहकर कंस्ट्रक्ट कराने वाले हैं। तो शादी वाले दिन ही सुबह में ना उसका भी मुहूर्त था, तो यहाँ पर जो है वो पापा कर रहे हैं उसका भूमि पूजन। तो जो पंडित जी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो सारी क्या कह सकते हैं, जो रिचुअल्स है वो करने होते हैं यहाँ पर। तो बस वही सब यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ आए थे एक काम के लिए, लेकिन साथ में जो है वो दो दो काम यहाँ पर हो गए हैं। तो अब यहाँ पर ही रहने वाले हैं वो लोग परमानेंटली। तो अब इसको अपने अकॉर्डिंग वो लोग जो है वो कंस्ट्रक्ट करवा लेंगे धीरे धीरे यहाँ पर रहते हुए ही। तो बस अब ये आज ही जो है वो शादी भी है, तो बस यहाँ से फ्री होंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे रेडी होना शादी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है उसके हस्बैंड यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि जीत तो नहीं आ पाए थे। उनका था कि वो शादी वाले दिन आ जाएंगे, बट एट मोमेंट उनको कोई इशू हो गया छुट्टी वगैरह को लेकर के, तो उनका आना यहाँ पर कैंसिल हो गया था। तो यहाँ ज़रूरत थी किसी के यहाँ ना नीचे उतरने के लिए पूजन के लिए, तो बस वही करने के लिए यहाँ पर जो है वो सूरज को उतारा है यहाँ पे। तो पंडित जी बता रहे हैं कि किस तरह से क्या जो है वो करना है, जो भी थोड़ा बहुत मतलब आप कह सकते हो कि एक शगन था वो करना था। अभी कंस्ट्रक्शन जो है वो तो स्टार्ट नहीं कराया है, बट हाँ मुहूर्त था, तो ये था कि एक बार पूजन हो जाएगा तो फिर कंस्ट्रक्शन जो है वो कभी भी आप स्टार्ट करा सकते हो। और अब देखिए, यहाँ पर आ गई है गन्नू की बारी। तो जो नीम जो होती है ना, उसमें जो ईंटें लगानी थी शगन की, उसके लिए गन्नू को यहाँ पर उतारा गया था। इसमें जो ये थोड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ है वहाँ पर ईंटें रखने के लिए, तो बस गन्नू जो है वही कर रहा है यहाँ पर। हालांकि उसे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करना है। और अब भी हम पहुँच गए हैं पार्लर रेडी होने के लिए, क्योंकि बारात जो है वो निकलने ही वाली है, और ये है मेरा कंप्लीट लुक। तो देखिए, अभी यहाँ पर हमारा जो दूल्हा है वो भी हो गया है रेडी, और बारात जो है वो बाहर सारे बाराती कर रहे हैं इंतज़ार कि कब दूल्हा जो है वो बाहर आएगा और जो बारात है वो यहाँ से निकलेगी। तो बस थोड़ा बहुत जो फ़ोटोशूट वगैरह है वो यहाँ पर चल रहा है, और उसके बाद हमारी जो बारात है वो निकल पड़ेगी दुल्हन को लेने के लिए। तो बड़ा मज़ा आता है, मतलब यहाँ पर ना आपको कभी कभी ही मौका मिलता है ऐसे कि कोई फैमिली फंक्शन हो जहाँ पर सारे इकट्ठे हों, तो थोड़ा हंसी मजाक मस्ती वाला जो माहौल है वो बन जाता है। तो बस अब यहाँ पर जो हमारा दूल्हा है वो जा रहा है अपनी जो घोड़ी खड़ी हुई है जिस पर वो जाएगा बारात लेकर के उसकी तरफ, और यहाँ पर देखिए हम सारे लोग भी उसके पीछे पीछे ही चल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ना हम लोग डांस नहीं कर पाए, मतलब मैं और मेरी सिस्टर हम लोग डांस नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ रिचुअल्स होते हैं जो बहनों को करने होते हैं जब दूल्हा जो है वो निकलता है बारात लेकर के। तो दूल्हे के पीछे पीछे ही कुछ देर उनको चलना होता है कुछ रिचुअल्स करते हुए, तो बस मैं और मेरी बहन जो थे वो उसी काम पर लगा दिए गए थे। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ज़्यादा डांस वगैरह कर नहीं पाए, और ना ही बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो यहाँ पर हम शूट कर पाए थे, लेकिन फिर भी जितना था वो मैंने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है जितना कर पाई मैं वहाँ पे। और यहाँ पर देखिए, जो ढोल वाला है वो घोड़ी पर बैठने ही नहीं दे रहा था बिना शगन लिए, और फाइनली देखिए हमारा दूल्हा हो गया है अपनी घोड़ी पे सवार ताकि वो जा सके अपनी दुल्हन को लेने के लिए। तो अब बस यहाँ से जो है वो बारात पहले जाती है मंदिर, वहाँ पर मत्था टेक कर उसके बाद फिर जाते हैं कुआं पूजन के लिए। तो कुएं पर भी थोड़े बहुत कुछ रिचुअल्स हैं वो होते हैं। तो यहाँ फाइनली हम पहुँच गए हैं जो कुआं पूजन होता है उसके लिए, निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो ये जो आगे आपने देखा ना, अभी सबसे आगे आगे नोट लहराते हुए, तो ये थी हमारे दूल्हे की मम्मी यानी कि मेरी बड़ी वाली बुआ जी। और यहाँ पर देखिए, सारी जो भाभियाँ वगैरह हैं वो सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, डांस कर रहे हैं, और हम दोनों लगे हुए थे दूल्हे के पीछे पीछे चलने। तो बस वही थोड़ा सा यहाँ पर हमने मिस किया, लेकिन जो रिचुअल्स हैं वो भी ज़रूरी होते हैं करने, बहनों के ही होते हैं वो, तो बस हम लोग उसमें लगे हुए थे यहाँ पे। और अभी हम पहुँच गए हैं कुएं पे कुआं पूजन के लिए। तो अब
आगे इसके आगे का ना कुछ भी जो है वो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी भागदौड़ हो जाती है ना शादी में कि बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई थी तो कुछ भी शूट नहीं हुआ। तो अभी फाइनली ये है बारात के नेक्स्ट डे, यानी कि जब हम दुल्हन को ले आए थे वहाँ से विदा करा के, उसके बाद की क्लिप है। तो दुल्हन को सीधे ही अपने घर में नहीं लाया जाता है, तो ये जो सामने वाली आंटी जी हैं उनके घर में हमने जो दूल्हा दुल्हन है उनको रखा था, यानी कि मेरा भाई और उसकी जो न्यूली मैरिड जो वाइफ है उसको रखा था। तो अब वहाँ से हम इनको लेकर जा रहे हैं अपने घर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी कि ये जो रस्म है ये होती है जब शाम के वक्त तारे निकल आते हैं तब ये जो रस्म है वो की जाती है। तो यहाँ पर अब हम सामने वाली आंटी जी के यहाँ से इन दोनों को लेकर के आ रहे हैं अपने घर में। तो ये जो ढोल वाले हैं इनको हमने बुलाया नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि शादी वाला घर है, थोड़ा मतलब डेकोर वगैरह वहाँ पर होता है, तो वो देख करके अपने आप ही यहाँ पर आ जाते हैं ये लोग। तो अब यहाँ पर कुछ जो रस्में हैं वो सब करके हम लेकर आ गए हैं हमारे जो दूल्हा दुल्हन हैं उनको घर के अंदर, मतलब फर्स्ट टाइम जो दुल्हन है उसको घर के अंदर यहाँ लेकर के आ रहे हैं हम लोग। और इसके आगे ना होती है रस्म जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को खड़ा किया जाता है और सब बारी बारी उनको नचाते हैं। तो आप इंजॉय कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पर दूल्हा दुल्हन को नचाने की जो रस्म होती है उसके बाद में बारी आ गई है दरवाज़ा रोकने की, यानी कि बहनें जो हैं वो मतलब रूम में जहाँ पूजा करनी होती है इन दोनों को जाके वहाँ दरवाज़ा रोकती हैं अपना नेग लेने के लिए। तो वही सब चल रहा था और फाइनली ये लोग जो हैं वो आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पर कुछ जो पूजा पाठ है वो करवाया जाता है जो दूल्हा और दुल्हन है उनसे, और बाहर जो ढोल वाला है वो यहीं पर था। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं थोड़ा सा अपना डांस वांस जो हम बारात में नहीं कर पाए थे, तो वही होता है ना मन की भड़ास वो यहाँ ढोल पर ही निकाल रहे हैं। और ये है निशा भाभी जिनको आपने देखा था, मतलब हमारी आप कह सकते हो सबसे दमदार भाभी, जिन्होंने अच्छा खासा नचा दिया हमारे दूल्हा और दुल्हन को उठा करके। तो बस ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो चल रही थी यहाँ पर। बड़ा मज़ा आया मतलब सभी लोगों को ना, आप अगर फैमिली के साथ होते हो तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है। हर एक जो छोटा छोटा भी अगर कोई रस्में होती हैं तो उनमें अपना अलग ही जो मज़ा है वो आता है। और यहाँ पर देखिए अभी हमारी जो नई दुल्हन है वो आ गई है रूम के अंदर और फाइनली ये है रिलैक्स होने वाला टाइम। तो यहाँ बैठ के बस सबकी जो है वो हंसी मजाक बातें बातें गपशप हो सब चल रही है। तो यह बस इतना ही था आज के ब्लॉग में, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।